हेलो यू वन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं बजाज सिटी 110X। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी कंपेयर टू नॉर्मल सिटी 110 यहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेस हैं, एंड उसके बाद अपन बात करेंगे शुड यू बाय दिस व्हीकल ओवर द कंपटीशन, बिकॉज इस सेगमेंट में अच्छा खासा कॉम्पिटिशन है। सो वील सी इस गाड़ी में आपको ऐसा क्या खास मिल रहा है विच मेक्स इट बेटर दैन द कॉम्पिटिशन। एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर बजाज फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कॉल करिए, अपनी अपॉइंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वॉक अराउंड। सबसे पहले मैं आपको सिटी 110X का प्राइस बता देता हूँ। सो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 55,500 रुपीज। कंपेयर टू नॉर्मल 110, 2,000 रुपीज इसका प्राइस ज्यादा है। एंड फॉर दैट 2,000 रुपीज यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ स्टफ, जो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात की जाए, और अगर आप पूरी बाइक को देखेंगे, यू विल सी पर्पसफुल डिजाइन, यू विल सी रोबस्टनेस, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स, बिकॉज इस मोटरसाइकिल को ना एकदम एप्ट बनाया गया है फॉर रूरल एरियाज, फॉर बैशिंग इट, फॉर कैरिंग स्टफ विद इट। मतलब अगर आपको कुछ लेके जाना है ना, इस मोटरसाइकिल में आपको बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा कि कुछ खराब होगा या कुछ टूट जाएगा, नहीं। बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया है, तो ये मैं आपको सब दिखाता हूँ। सामने से स्टार्ट करें तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे आपको एक राउंड हेडलाइट मिलती है। सिटी 110 जो नॉर्मल मॉडल है, वहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर हेडलाइट मिलती है। सो यहाँ पे आपको राउंड हेडलाइट मिल रही है, ग्रिल भी दी गई है प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे आपको DRLs मिल जाते हैं, हैलोजन यूनिट है हेडलाइट। सामने आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। टायर्स भी देखिए आप, थोड़े से ऑफ रोड बायस टायर्स दिए गए हैं, सो दैट्स गुड। गेटा कवर्स भी आपको मिल जाते हैं, ताकि सस्पेंशन को एक अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाए। अगर आप एकदम रफ पैच से जा रहे हैं, कीचड़ से जा रहे हैं, तो सस्पेंशन को कोई दिक्कत नहीं होगी, इट विल बी सेफ। यहाँ पे भी देखिए एकदम स्ट्रॉन्ग क्रैश गार्ड दिया गया है। यहाँ पे भी पकड़ने के लिए एक रबरिश एलिमेंट दिया गया है, तो यहाँ पे भी आप पकड़ सकते हैं, या फिर अगर कोई बच्चा बैठा है सामने, उसको यहाँ पैर रखना है, ही कैन कीप इट। यहाँ पे भी एकदम आपको एक स्ट्रॉन्ग बैश प्लेट दी गई है, ये देखो एकदम स्ट्रॉन्ग है। सो प्रोटेक्शन तो अच्छी खासी दी गई है। इंजन की बात की जाए, सो आपको 115cc का BS6 कंप्लायंट इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटेड एयर कूल DTSI ट्विन स्पार्क इंजन मिल जाता है, अ वेरी लॉन्ग नेम। ये प्रोड्यूस करता है 8.6 PS एंड 9.81 न्यूटन मीटर टॉर्क। सो इसके परफॉर्मेंस के बारे में और बातें चलाते टाइम करेंगे। आपको एक किक स्टार्ट मिल जाता है, मोल्डेड फुट पैग्स मिल जाते हैं। ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो आपको एक प्रॉपर फुट रेस्ट मिल रहा है, सो दिस इज रियली गुड। टैंक में भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, एंड इससे आपको ग्रिप भी मिलेगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए, बट उससे पहले यहाँ पे भी देखिए एक प्रॉपर ग्रिप के लिए एरिया दिया गया है। इसमें रबरिश फिनिश है, सो अगर आपका कोई बच्चा सामने बैठा है तो वो यहाँ पकड़ सकता है, या फिर कुछ सामान भी है तो आप उसको यहाँ पे बांध सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको एक नॉर्मल स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे एक ओडोमीटर है, हियर वी हैव अ फ्यूल गेज, दैट्स इट। कोई भी ट्रिप मीटर्स या ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड स्विच गेयर, एवरीथिंग फील्स गुड। ये आपके मिरर्स हैं। सीट सिंगल सीट मिलती है आपको, विच इज़ बिग एंड रियली कम्फर्टेबल, सॉफ्ट है ये देखिए। सो बोथ फॉर राइडर एंड पिलियन इट विल बी रियली कम्फर्टेबल। ये जो पीछे आप एरिया देख रहे हैं ना, दिस इज़ अ रैक, इस पर आप 7 kg तक का लोड रख सकते हैं। सो अगर आपको कुछ यहाँ पर रखना है, 7 kg तक आप आराम से रख सकते हैं विदाउट एनी इशू। एंड यहाँ पर भी रबरिश फिनिश दी गई है, सो यहाँ पे आप आराम से पकड़ सकते हैं, यहाँ भी पकड़ सकते हो जहाँ चाहे, बिकॉज एकदम ऐसे घूम के है, सो दैट्स रियली गुड। पीछे की तरफ आपको टेल लाइट मिल जाती है, विच इज़ हैलोजन, हैलोजन टर्न सिग्नल्स, और रियर टायर भी आपको ये थोड़ा सा ऑफ रोड स्टाइल का मिलता है। दिस इज़ ऑल मैट ब्लैक एंड फाइबर, इसमें कोई पेंट एंट नहीं है। दिस साइड वी हैव हील एंड टो शिफ्टर, विच इज़ रियली गुड, बहुत ईजी टू यूज़ हो जाता है। एंड ये आपका साइड स्टैंड है, मेन स्टैंड है, पूरा चेन गार्ड मिल जाता है आपको, तो बार बार आपको चेन का मेंटेनेंस नहीं करना है। सो अभी तक मैंने आपको जो चीज़ें दिखाई, लाइक दिस रैक, दिस फुट रेस्ट, ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल सिटी 110 में नहीं मिलेगी। एंड इन्हीं सब चीज़ों के एडिशन की वजह से ये मोटरसाइकिल ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई है, ज़्यादा पर्पसफुल हो गई है। अब पर्पसफुल तो हो गई है, बट एक चीज़ यहाँ पर आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी, उस चीज़ का नाम है क्रोम। क्रोम आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा, मतलब सिर्फ एक जगह है जहाँ पे अच्छा खासा क्रोम यूज़ किया गया है, ये। इसके अलावा और कहीं भी आपको क्रोम देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज उसका एक मेंटेनेंस होता है। एंड इस मोटरसाइकिल में जितनी भी चीज़ें हैं ना,
वो एकदम लेस मेंटेनेंस वाली हैं। सो अब एक काम करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं एंड देन वी विल राइड इट। सो लेट्स गो। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब एकदम एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग नहीं है, बट थोड़ा सा कच्चा रास्ता है। या इजिली इसके टायर्स ना बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं वाइल यू आर ऑन अ रफ पैच, सो दैट्स वेरी गुड। एंड अब इंजन के बारे में बात करते हैं, सो थोड़ा सा थ्रॉटल दे के देखते हैं। द इनिशियल पिकअप फ्रॉम दिस इंजन इज रियली गुड, आई मस्ट से दैट। एंड उसी की वजह से ना, जब आप थोड़े से कच्चे रास्तों पे होते हो या फिर अगर आपके साथ थोड़ा सा लोड है, थोड़ा सा सामान है, गाड़ी पे वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, द इनिशियल पिकअप हेल्प्स अ लॉट। इतने आराम से ये गाड़ी उठती है ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। एंड उसके बाद मिड रेंज में भी अच्छी खासी पावर है, टॉप एंड इज़ लाइक वेरी ओके। टॉप एंड में ज़्यादा कुछ नहीं है एज एक्सपेक्टेड, इन मोटरसाइकिल्स में रहता भी नहीं है। सो इनिशियल पिकअप एंड मिड रेंज इज रियली गुड, मज़ा आ गया यार। एंड दिस इंजन जिसके पावर फिगर्स हैं आर वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। रिफाइनमेंट के बारे में बात की जाए, सो रिफाइनमेंट इनिशियली तो अच्छी है, बट जब आप इसको बहुत ज़्यादा रेव करते हैं ना, ये क्या है, ओह माय गॉड, ये क्या था, वो कोई चूहे हुए को खा रहा था। सो यार रिफाइनमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो रिफाइनमेंट इनिशियली तो अच्छी है, बट जैसे जैसे आप इसको रेव करते हैं या फिर अराउंड 60 की स्पीड तक लेके जाते हैं ना, वहाँ पे आपको थोड़े से वाइब्रेशंस फील होंगे, माइन्यूट वाइब्रेशंस हैं, बजिंग है वो आपको फील होगी। सो वहाँ पे थोड़े से रिफाइनमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता था, बट अदर देन दैट एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। गेयरबॉक्स के बारे में बात की जाए, सो आपको 4-speed गेयरबॉक्स मिल जाता है। सो क्लच इज़ रियली लाइट, यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको हील एंड टो शिफ्टर मिल जाता है, तो एक बार में गियर लगते हैं एकदम प्रॉपर क्लिक के साथ, देयर इज़ अ प्रॉपर सेटिस्फैक्शन। एंड गियर बॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है यार, मतलब मैंने ना यूजुअली क्या होता है इन सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स में, अगर आप अग्रेसिवली डाउन शिफ्ट करें तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि गियर लेती नहीं है मोटरसाइकिल, स्किप कर देती है या फिर कर आवाज़ आती है। तो आपको मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये फर्स्ट गियर था, कोई कर आवाज़ नहीं, कोई रैटलिंग नहीं, नथिंग, एक बार में गियर लगता है एंड दैट इज़ अमेजिंग। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेक। सो आपको आगे और पीछे ड्रम सेटअप मिल जाता है, वी हैव कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। टॉकिंग अबाउट द रियर ब्रेक इज अ गुड वन कंसिडरिंग इट्स अ ड्रम सेटअप एंड कंसिडरिंग द सेगमेंट, रियर ब्रेक इज अ गुड वन, अच्छी खासी स्टॉपिंग पावर है। फीडबैक और बाइट ज़्यादा फील नहीं हुई बिकॉज इट्स अ ड्रम सेटअप, दैट्स ऑब्वियस, बट स्टॉपिंग पावर इज रियली गुड। एंड अब बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में, फ्रंट इज ऑल्सो गुड, लाइक बाइट अच्छी खासी है, स्टॉपिंग पावर भी अच्छी है कंसिडरिंग इट्स अ ड्रम सेटअप, ब्रेक्स आर डिसेंट ऑन दिस मोटरसाइकिल। अगर सामने डिस्क दे देते तो अच्छा रहता, लाइक ऐसे नहीं कि नॉर्मली दे देते, एक ऑप्शन दे देते, एक वेरिएंट दे देते विद अ डिस्क, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ रहती, बट वो नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं सिटिंग पोजीशन के बारे में, सो सिटिंग पोजीशन इज रियली कंफर्टेबल, एकदम आप अपराइट बैठते हैं, हैंडल बार भी रेज्ड है, फुट पेग्स भी एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में है, सो सिटिंग पोजीशन के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, सीट भी अच्छी खासी कंफर्टेबल है, सो दैट्स अमेजिंग। सस्पेंशन के बारे में बात की जाए, सो सस्पेंशन इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड, जिसकी वजह से यार कुछ भी आ जाए रोड पे ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, सब कुछ, गड्ढे, पॉटहोल, मतलब कुछ भी आ जाए, इट्स सो डैम कंफर्टेबल कि आपको मज़ा आ जाएगा। एंड ऑल्सो इट्स अ सॉफ्टर सस्पेंशन सेटअप, रिगार्डलेस ऑफ दैट ये आपको एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी भी देता है, बिकॉज जब मैं इसको थोड़ा सा अग्रेसिवली चला रहा था ना, बाइक वॉज रियली स्टेबल, इट वॉज रियली प्लांटेड, सो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको दोनों ही चीज़ें मिल रही हैं। एंड विद द एडेड वेट, मतलब अगर आप इस गाड़ी के साथ कुछ लेके जाएंगे, कोई सामान लेके जाएंगे, दिस स्टेबिलिटी विल हेल्प अ लॉट, इट विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अब बात करते हैं माइलेज के बारे में, सो विद दिस मोटरसाइकिल यू कैन ईजिली गेट अराउंड 60 किलोमीटर्स पर लीटर, उतना आपको आराम से मिल जाएगा। एंड इफ़ यू राइड डिसेंटली, एकदम आराम से चलोगे, तो 65 प्लस भी मिल सकता है, सो माइलेज इज़ रियली गुड, मतलब इसको जाना ही उसी के लिए जाता है, प्लैटिना और सिटी को, माइलेज किंग,
सो माइलेज बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत सारे सॉफ्ट पॉइंट्स हैं, स्विच गियर भी अच्छी क्वालिटी के हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी एकदम सामने है तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट। बट या एक ट्रिप मीटर और दे देते तो अच्छा रहता, बाकी फिट एंड फिनिश एंड एवरीथिंग इज गुड। ऑल्सो वेन वी टॉक अबाउट हैंडलिंग, दिस मोटरसाइकिल इज सरप्राइजिंगली फन। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मोटरसाइकिल का वेट है 118 kgs, सो इट्स फेयरली लाइट एंड उसकी वजह से इस मोटरसाइकिल को टर्न करना, मनूवा करना बहुत ईजी, आप आराम से इसको सिटी में चला पाएंगे, ट्रैफिक में चला पाएंगे एंड ऑल्सो अराउंड कॉर्नर्स इट्स सरप्राइजिंगली फन। मतलब मैं सोच रहा था कि टायर्स से बहुत अच्छी ग्रिप नहीं मिलेगी बिकॉज थोड़े से ब्लॉक वाले टायर्स हैं, बट अच्छी खासी ग्रिप मिली मेरे को एंड आई एम सरप्राइज, दिस मोटरसाइकिल इज फन अराउंड कॉर्नर्स, आपको मज़ा आएगा। आप ऐसा भी नहीं कि एकदम वैलेंटिनो रॉसी बन जाओगे, बट हाँ अच्छा खासा मजा आ जाएगा एंड इट्स फन टू राइड। सब बात करते हैं शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट। सो अगर मैं इसी प्राइस रेंज में दूसरे ऑल्टरनेटिव्स की बात करूँ तो आपके पास स्प्लेंडर प्लस है, HF डीलक्स है, सो ये सारी मोटरसाइकिल्स हैं। बट अगर मैं प्राइस वाइज इन सारी मोटरसाइकिल्स को कंपेयर करूँ, स्प्लेंडर प्लस इज अराउंड 10,000 rupees मोर एक्सपेंसिव दैन दिस मोटरसाइकिल एंड HF डीलक्स की बात करूँ तो अराउंड 5,000 rupees ये इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब मैं सारे जो मॉडल्स कंपेयर कर रहा हूँ ना वो सेल्फ स्टार्ट विद अलॉय व्हील्स हैं, क्योंकि इसमें सेल्फ स्टार्ट है, इसमें अलॉय व्हील भी है, तो मैं उसी हिसाब से सारा कंपैरिजन कर रहा हूँ। सो दैट मेक्स दिस मोटरसाइकिल ट्रूली वैल्यू फॉर मनी एंड अ रियली रोबस्ट प्रोडक्ट। ऑल्सो अगर मैं इंजन की बात करूँ, इसमें आपको एक अच्छा खासा पावरफुल इंजन मिल रहा है, मतलब स्प्लेंडर प्लस HF डीलक्स सबसे कंपेयर कर लो, यहाँ पर आपको ज़्यादा पावर मिलती है, ज़्यादा अच्छा पिकअप मिलता है, That makes it amazing, man. And with the added X accessories, मतलब जो जो चीज़ें ऐड की गई हैं उन सब चीज़ों की वजह से यार ये इतनी रोबस्ट हो जाती है। मतलब if I talk about myself and if someday I want to carry some stuff with me, अगर मेरे को कुछ दूध का कैन लेके जाना है, बोरी लेके जाना है, कुछ भी लेके जाना है, इस मोटरसाइकिल में मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा कि कुछ स्क्रैचेज आ जाएंगे या कुछ हो जाएगा, नहीं, बिकॉज पूरी तरफ आपको देखना कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन है, कुछ ना कुछ सेफ्टी है, सारी चीज़ें स्ट्रॉन्गली बनाई गई हैं तो कोई ऐसे टूटेगी नहीं। सो दैट मेक्स इट अमेजिंग मैन, अमेजिंग वैल्यू फॉर मनी। बस एक चीज़ है, इसमें आपको 4-speed गेयरबॉक्स मिलता है, सो अगर आपकी हाईवे ड्यूटीज ज़्यादा हैं देन आई से यू शुड गो फॉर प्लैटिना एच गेयर, वहाँ पे आपको एक एच गेयर मिल जाएगा, सो दैट मेक्स इट बेटर फॉर हाईवेज। एंड इस सब ये रोबस्टनेस के पर्पसफुलनेस की वजह से ना यहाँ पे एक चीज़ तो पक्का से मिसिंग है, ब्यूटी। Whenever we talk about robust design, we want the elements to be strong, rough and tough, जो beating ले सकें। अब उसके चक्कर में ना beauty थोड़ी सी sideline हो जाती है, because beauty is gentle। Like यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल भी chrome elements नहीं मिलेंगे, सिर्फ tank के ऊपर थोड़ा सा है, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं। So if you are someone who wants a normal motorcycle for commuting, city में चलाने के लिए, then you can look at other options like HF Deluxe, Super Splendor, Splendor Plus, प्लैटिना, आप ये सारी मोटरसाइकिल्स देख सकते हैं। बट इफ़ यू आर समवन हु गिव्स जीरो फक्स अबाउट ब्यूटी एंड क्रोम एंड जिसको अपने काम से मतलब है, जिसको चीज़ें करना है, देन दिस इज अ रियली गुड मोटरसाइकिल। ऑल्सो इफ यू आर गेटिंग अ स्ट्रॉन्गर प्रोडक्ट फॉर अ लेसर प्राइस, देन इट मेक्स सेंस, राइट? ये एक ज़्यादा मजबूत चीज़ है, कम प्राइस में मिल रही है, इंजन अच्छा खासा पावरफुल है, वाई नॉट टेक इट? बस एक ही चीज़ है, यहाँ पे थोड़े से आपको ब्यूटी एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, उसके अलावा दिस मोटरसाइकिल इज बैंक फॉर मनी। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो, को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।